أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري वलिब नमाजा बसनादिन इसद मसलिमिन हता तत्मा कामा नमाज की तफ़ील से मतलब नबी करीम सल्ह वसम ने किस तरह से नमाज पढ़ी है और कैसे आपने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है जब इन मसाइल का तस्करा हाफिज़ इबन हजर रह्ला ने अपनी किताब बुल मिन में शुरू किया तो सबसे पहले जो हदीस नक़ल फरमाई है उस हदीस का ताल्लुक नमाज में इतमान से है कि आदमी जब नमाज पढ़ना पढ़ने का इरादा करता है तो वो मुकम्मल इतमान के साथ नमाज में खड़े रहे और नमाज के दीगर अरकान तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक तमाम अरकान को इत्मीनान के साथ अदा करें इस हदीस का जो असल मकसद है वो यही है क्योंकि इस सिलसिले में एक वाकिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा साहबा रज़ील् तैन के साथ बैठे हुए थे कि एक शख्स आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया वो ताखिर से आए हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने अपनी जो नमाज बाकी थी वो नमाज़ पढ़ना शुरू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि वो नमाज़ किस तरह से पढ़ रहा है जब उसने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो आप के पास वो आए और उन्होंने कहा अलैकुम आपसे आप आकर सलाम किया आपने उनके सलाम का जवाब दिया और फिर उनसे कहा इर्ज फसली फ़ैन न कलम तसली वापस जाओ वापस जाओ नमाज पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है वापस जाकर फिर से नमाज पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है तो वो शख़्स दोबारा अपनी जगह पर गए और नमाज पढ़ी नमाज मुकम्मल होने के बाद फिर आए और फिर आपको सलाम किया तो आपने उनके सलाम का जवाब देकर कहा फसली फ़ैन नम तो तसली वापस जाओ नमाज पढ़ो फिर से ये नमाज़ पढ़ो जो आपने नमाज पढ़ी है इस नमाज को फिर से पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है तो वो शख़्स दोबारा वापस जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ के फिर आते हैं और फिर सलाम करते हैं तो आप फिर कहते हैं इजली फ़िन कलम तो सली अब तीसरी मरतबा उन्हें कहा जा रहा था कि आप वापस जाओ नमाज पढ़ो तो वो शख्स सवाल करते हैं या रसूल वसल्लम मैं नमाज़ तो पढ़ रहा हूँ पहली बार भी मैंने नमाज़ पढ़ी दूसरी बार भी नमाज़ पढ़ी तीसरी बार भी मैंने नमाज़ पढ़ ली है अब फिर आप कह रहे हैं कि वापस जाओ आखिर वजह क्या है मुझसे क्या गलती हो रही है क्यों मुझे दोबारा नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो अगर उसमें कोई गलती है तो मुझे बता दिया जाए ताकि मैं उसकी ससलाह कर लूँ तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फिर उस शख्स को नमाज का पूरा तरीक़ा सुनाया आप ये चाहते थे कि अब सवाल के जवाब में या जो मसला आपके सामने बयान किया जाने वाला है उस पर उसको वो ग़ौर से सुने क्योंकि एक आदमी से कहा जाए दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो वो पढ़कर आए फिर कहें कि नहीं आपने नमाज ही नहीं पढ़ी है तो उसके जहन में जस्तजु पैदा होगी आखिर क्या हो गया मेरी नमाज को मैंने तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक पूरी नमाज पढ़ ली एक बार दो बार तीन बार फिर भी मेरी नमाज नहीं हुई है मैंने नमाज नहीं पढ़ी मेरी नमाज दुरुस्त नहीं हुई तो कहाँ गलती हो रही है जब एक बार वापस किया जाएगा और निगरानी की जाएगी तो वो अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे फिर दोबारा भेजा जाए फिर पहले से अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे यानी अपने तरीक़े से अपने अंदाज़ में अपने इस्तात के मुताबिक उन्होंने अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश की और आप वाले ने उनकी नमाज़ की निगरानी की नमाज़ का मुशाह किया कि कैसे वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको जो मतलूब था आप जो चीज़ देखना चाहते थे उस शख़्स के अंदर आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दी दूसरी चीज़ें नज़र आई लेकिन एक अहम चीज़ आपको उसमें दिखाई नहीं दे रही थी तब आप वसल्लम ने उनको फिर नसीहत करते हुए ये बात कही जो मैंने शुरू में हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किया था मकसद क्या था उसमें नमाज में इत्मीनान के तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक नमाज को इत्मीनान से पढ़ना है कोई भी हिस्सा कोई भी रुकन कोई भी अमल करते हुए उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर नमाज में जल्दबाजी हो रुकू में सजदे में रुकू से उठने में उठने के फ़ौर बाद सजदे में चले जाने में ये जो एक एक तकबीर के बाद जो वक्फा होता है वक्फा न करके वो जल्दी जल्दी नमाज में दूसरे अगले काम में चला जाए जाहिर सी बात है फिर इसमें इतमान बाकी नहीं रहेगा जैसे कभी कभार हम देखते हैं बाज मरतबा तो मसाजिद में इमामों को भी देखा गया है मसाजिद के इमामों को भी तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुख्तियों का क्या आलम होगा कि जब सजदे में जाते हैं पहला सजदा करते हैं अल्लाह अकबर कह के जब उठते हैं तो अल्लाह अकबर कह के उठने के बाद सीधा ऐसे बैठते भी नहीं हैं बल्कि थोड़ा सा सरज़मीन से उठाया और थोड़ा सा अपने पीठ को ऊपर की तरफ किया कि फ़ौर अकबर। पीठ अभी मुकम्मल सीधी भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही अल्लाह अकबर कह के दोबारा सजदे में चले जाते हैं और जो पीछे मुख्तिय होते हैं कभी उन्होंने तकबीर तकबीर के बाद उठने में देर कर दी हो अभी वो उठ ही रहे हों कि इमाम साहब ने तकबीर कह दिया तो जैसे उन्होंने अभी सर उठाया ही था हाथ वैसे ही ज़मीन पर रखे हुए थे वैसे ही सर, सर, सर जमीन पर टेक दिया इस तरह की नमाजें मसाजिद में बहुत होती हैं ये एक दो एक दो जगह की बात नहीं है आप कसरत से ही मसाजिद में ये हरकत आप देखेंगे और अगर बहुत ज़्यादा कसरत से और ज़्यादा तादाद में देखना है तो उसके लिए एक मुबारक महीना है ये नज़ारे उसमें दिखाई देते हैं वो कौन सा महीना होगा रमज़ान का महीना रमज़ान का महीना हो तो मुसलमान नमाजों की तोहन कैसे करते हैं वो मुबारक महीने में वो नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं और किस जगह पर देखने को मिलते हैं उसी जगह पर जहां बीस रका तरावी होती बस इसके अलावा और कहीं भी नहीं जहां मुसलमान बीस रका तरावी पढ़ते हैं उसी जगह पर जहां मुसलमान आठ रका तरावी पढ़ते हैं वहाँ पर इस तरह की नमाज़ में कोताहियाँ जल्दबाज़ियाँ आपको कभी भी नहीं मिलेंगी जिस जगह तराबी बीस रकात पढ़नी होती हैं वहीं पर रफ़्तार बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रकात ज़्यादा हैं तो रकात ज़्यादा हैं तो कुरान भी ज़्यादा पढ़ना है और जल्दी भी ख़त्म करना है रकात ज़्यादा कुरान ज़्यादा वक्त कम तो जाहिर सी बात है फिर जल्दी करनी पड़ेगी कम वक्त में ज़्यादा काम अगर करना हो तो हर काम को रफ्तार के साथ करना पड़ेगा और यही रफ्तार के चक्कर में बहुत से मुसलमानों की नमाज़ें खराब हो जाती हैं हालाँकि कराम की ज़िम्मेदारियाँ हैं कराम की जिम्मेदारियाँ हैं कि ऐसी जगहों पर मुसलमानों को तमबीह करें समझाएं वरना कई कई साल तक रमज़ान पढ़े जा रहे हैं साठ सत्तर अस्सी साल की उम्रें हो चुकी हैं लेकिन तरावी पढ़ने का वही अंदाज अभी तक भी है इसका मतलब यह होता है कि उलमा की बेानतहा कोताही है कि अपनी कौम को अपने वो लोगों को जो उन पर अतमाद करते हैं जो उनको अपना पेशवा समझते हैं उन्होंने उनकी अभी सही रहनुमाई नहीं की है या उनको रहनुमाई करने में अभी भी कोताही है अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है हमारे उलमा अहदीस पर अल्लाह तबा व वाली ने हर जगह दुनिया में जहाँ कहीं पर भी हो नमाज़ के इतमान का जो तरीक़ा है कुरान आहिस्ता आहस्त पढ़ो रुको सजदा इतमान के साथ करो कहीं भी जल्दबाजी ना हो ये हर जगह सिखाया जाता है और हर मस्जिद में सिखाया जाता है आपने भी यहाँ पर मस्जिद अल्क़िस में नमाज़ पढ़ी होगी रमज़ान के महीने में हमने देखा है इतमान के साथ रुकू में चले गए तो इतमान से रुकू करते हैं रुकू से उठ गए तो इतमान से खड़े रहते हैं सजदे में चले गए तो इतमान सजदा करते हैं कोई जल्दबाजी नहीं ठोंगे मारना ये है ही नहीं तो नबी करीम वसल्लम ने अब वो जो शख्स थे वो जो सहाबी थे जिन्होंने तीन मरतबा नमाज पढ़ी आपने उसे बुलाया और फिर उसे नसीहत करते हुए कहा इदाकम फास बेगिल वज़ू आपने शुरू से तरीक़ा बता दिया इख्तसार के साथ बताया बहुत सी तफसील और भी है नमाज की लेकिन आपने कुछ अहम आह, अहम बातें उसमें नमाज की बताई हैं कि जब आप नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अच्छी तरह से वजू कर लो इन्हें वज़ू अच्छी तरह से किया जाए वज़ू में भी जल्दबाजी ना हो जैसे नमाज में जल्दबाजी होती है वैसे लोग वज़ू में भी जल्दबाजी करते हैं पता चला इधर एककामत होने वाली हैं या हो रही है वजू खाने पे जाते हैं फटाफट फटाफट ऐसे फटा कहाँ फेंका कहाँ मारा पानी कुछ समझ में नहीं आया ऐसा भी लगता है कि मतलब पानी गिराते गिराते दाएँ बाएँ गिरा देते हैं पानी ज़्यादा खर्च हो जाता है और कभी उनके हाथों की कोहनियाँ सूखी रह जाती हैं कभी पैरों की उंगलियों के, के दरमियान का हिस्सा सूखा रह जाता है और कभी जल्दबाजी में कोई हिस्सा अगर भूल भी गए तो उसका एहसास भी नहीं होता मस्जिद में आ जाते हैं फिर नमाज़ पढ़ते हैं जब जब वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ तो नमाज़ कहाँ से होगी इसलिए वजू भी इबादत है उसको भी अच्छी तरह से इत्मीनान से करना है तुम फिर जब मस्जिद में आओ नमाज़ पढ़ने के लिए क़िबले की तरफ मुँह करो अल्लाह अकबर कहो यहाँ से आप शुरू करो तकबीर तहरीमा कहो तुम मकराम तयसर मिन और फिर तकबीर कहने के बाद फिर आपने कहा कि अब कुरान में जो आपके लिए आसान हो, जो आप पढ़ना चाहते हों जो सूर तलावत करना चाहते हैं वो तिलावत करो अब दूसरी जगह पर इसकी तफसील है कि पहले पहले सुर फातिहा पढ़ा जाए और बाद में कोई और एक सुरह या कुछ आयतें पढ़ी जाएँ तुम मर का हत्या ततमैन न राकिन जो असल बताना मकसद था वो ये हैं तुम मर का हत्या ततमैन न राकीन फिर तुम रुकू करो यहाँ तक के इतमान के साथ रुकों में रहो रुकू करो तो इतमान के साथ रुकू करो हत्या ततमइन नराकान इतमान का लफ्ज़ शुरू से ये कहा जा सकता था कि पूरी नमाज को इतमान से पढ़ो लेकिन आपने ऐसा नहीं किया हर जगह पर कहा इसको इतमान से करो इसको इतमान से पढ़ो ये इतमान से करो ये इतमान इतमान लफ्ज़ इतमान आपने जगह जगह इस्तेमाल किया इसका मतलब ये होता है कि आपने हर जगह ताकदन बयान करना चाहते थे वरना आप ये कह सकते थे कि इतमान से नमाज पढ़ो तो इतमान से नमाज पढ़ो तकबीर तहरमा सलाम तक पूरा काम हो गया लेकिन रुकू करो इतमान से करो रुकू से उठो इतमान से खड़े रहो सजदे में जाओ इतमान सजदा करो तो ये बार बार लफ्ज इतमान इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि आप खास तौर तो पर ताकद करना चाहते हैं कि नमाज को आहस्ता आहस्ता इतमान के साथ बग़ैर जल्दबाजी के पढ़ना है तुम मरफा हतमन फिर रुकू से उठो तो या तो इतमान के साथ इतमान के साथ खड़े रहो बिल्कुल बराबर खड़े रहो ऐसे खड़े रहो कि बिल्कुल बराबर हो जाओ यानी रुकू से उठने के बाद थोड़ा सा कमर तेड़ी रख के सजदे में नहीं जाना है बल्कि सीधे ऐसे खड़े रहना है जिस तरह से पहले खड़े हुए थे कि पीठ की पूरी हड्डियां मुकम्मल सीधी हो जाएं और आप इतमान के साथ खड़े हो जाओ तुम मसद तान न साजिदन फिर तुम रुको के बाद सजदे में जाओ सजदा करो तो इत्मीनान के साथ सजदा करो सजदे में चले जाओ तो देर तक इत्मीनान के साथ जो सजदे की दुआएं हैं वो पढ़ते रहो तुम मर्फ हता नजा लि सन फिर सजदे से उठो तो फिर इत्मीनान के साथ बैठो सजदे से उठने के बाद पहला सजदा मुकम्मल किया अब उसके बाद बैठना है तो इत्मीनान के साथ बैठ जाओ ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सर उठाया फिर से दूसरे में चला गया इतमान के साथ बैठ जाओ तुम मस्जिद हताम न साजिद फिर दोबारा सजदे में जाओ तो इतमान के साथ सजदा करो तुम म का फी सलाती का कुल लिहा फिर इसी तरह अपनी हर नमाज में करो या पूरी नमाज में करो क्योंकि ये हरकतें होती हैं क्याम की हालत रुको की हालत फिर खड़े होना फिर सजदे में जाना फिर उठना फिर सजदे में जाना नहीं इतने ही हरकतें होती हैं तो आपने यहाँ तक बता दिया और का जैसे ये पहली रक़ात में यही चीज़ें दूसरी रक़ात में आएगी यही तीसरी चौथी में आएगी लिहाजा हर नमाज में आपकी हर नमाज में हर रक़ात में ऐसे इत्मीनान के साथ पूरी नमाज पढ़ो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोरा इशारा कर दिया उस शख्स को कि अगर आप इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़ते हो नमाज में जल्दबाजी है तो आपकी नमाज नहीं होगी क्योंकि आपने उससे जो कहा था फसल ली फलम तुसली वापस जाओ नमाज पढ़ो तुमने नमाज नहीं पढ़ी है अब एक आदमी नमाज पढ़ के आए और आप उनसे कहो कि आपने नमाज नहीं पढ़ी है तो क्या कहेगा वो क्या मैं नमाज तो पढ़ी है इसने देखा फना ने देखा फना ने देखा, फना ने देखा आपने खुद भी देखा हुआ है मुझे नमाज पढ़ते हुए मतलब मैंने कैसे नहीं पढ़ी तो आपने ये जो कहा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी है मतलब ये हुआ कि जैसे नमाज पढ़नी चाहिए वैसे नमाज नहीं पढ़ी है नमाज को फिर आपने इत्मीनान के साथ पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह व तआला हम तमाम को इत्मीनान के साथ इबादतें करने की तोहफी काता फरमाएँ असलम व बरकातहू